नमस्कार, मैं पंकज। आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आपको बता दें, सिद्धिविनायक में आपको पल्लू वाली माता रानी का नाम तो आपने सुना होगा। माँ दुर्गा का ही एक रूप है पल्लू वाली माता। माँ दुर्गा के अनेक रूप है, उसी में से एक पल्लू वाली माता भी हैं। उन्हीं का मंगल पाठ और भजन संध्या कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि 6 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगा और उसके साथ साथ मंगल पाठ होगा संध्या के वक्त, और 7 तारीख को भजन संध्या होने वाला है कुमारी कन्या के पूजन के साथ। इन तमाम विस्तृत जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। आइए एक फुटेज को देखते हैं और चीज़ों को स्पष्ट समझते हैं। और तमाम शहरवासियों से मैं अपने चैनल के सौजन्य से यही नर्म निवेदन करता हूँ कि आप इस स्थान में पधार करके माता रानी का प्यार और आशीर्वाद पा करके अपने आप को अनुग्रहित कीजिए और सौभाग्यशाली बनिए। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, मैं पंकज। आज ब्राह्मणी माता के विषय में जो यह अनुष्ठान होने जा रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आप प्रेस मीडिया का भी हम सब स्वागत करते हैं। ये हमारा माँ ब्रह्मणी माता पल्लू वाली भक्त मंडल सिलीगुड़ी का चतुर्थ वार्षिक उत्सव है। पिछले 3 साल हमने जो भी कार्यक्रम किए थे, उनसे बढ़ चढ़ के ये कार्यक्रम और बढ़िया होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो दरबार वो भव्य दरबार बनेगा और जो शोभा यात्रा जो निकलेगी सुबह, वो पहले हमारा रूट छोटा था, इस बार हमने रूट भी बढ़ा लिया है और भक्तों का जिस हिसाब से 3 प्रोग्राम को देखते हुए उमंग और ज़्यादा बढ़ी है, उन सब को देखते हुए हमने उनके रहने की ठहरने की व्यवस्था भी और ज़्यादा कर दी है। पिछली बार जैसे बहुत लोग कम आ पाए थे क्योंकि समय कम था, इस बार हमारा प्रचार भी बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा नए भक्तों के साथ हम जुड़ पाए हैं और जो नेपाल से हैं या आसाम से हैं, राजस्थान से, बहुत सी जगह से भक्त आ रहे हैं, तो उनकी रहने की व्यवस्था हम बहुत बढ़िया दे रहे हैं यहाँ पर। और सबसे अहम बात क्या होगी इसमें कि जो माता का दरबार, जो पल्लू राजस्थान सरदार सिर के पास जो माता का दरबार है, उस दरबार में जो पुजारी जी हैं, मेन पुजारी जी जो माता की पूजा करते हैं, वो पुजारी जी गोवर्धन सिंह जी भाटी और उनके भाई प्रभु सिंह जी दोनों यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो जो भी भक्त माता, जिनके ब्रह्मणी माता कुलदेवी है, वो यहाँ आएंगे तो उनको माता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, प्लस जो पुजारी जी हैं, मंदिर के जो मेन पुजारी हैं, उनका आशीर्वाद भी यहाँ मिल पाएगा उन्हें, और वो उनसे अपनी जो भी है समझ पाएंगे, बात कर पाएंगे कि माता का कहाँ क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात कि जो हम 6 जनवरी को सुबह 8 बजे शोभा यात्रा जो निकालेंगे, शोभा यात्रा के बाद उसी दिन शाम को 6 बजे 6 जनवरी को शाम को 3:30 बजे मंगल पाठ का किया जाएगा। मंगल पाठ का जो वाचन करेंगे वो कलकत्ता से आ रहे हैं अभिषेक जी मिश्रा, और उन वो यहाँ पर मंगल पाठ का वाचन करेंगे। उसके बाद 7 जनवरी को सुबह कन्या पूजन है, कन्या पूजन के बाद भजन संध्या का कार्यक्रम है। भजन संध्या के कार्यक्रम में हमारे पास कलकत्ता से भी कलाकार आ रही हैं और सोनीपत से और चंडीगढ़ से, वहाँ से भी कलाकार आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो भव्य रूप से होने जा रहा है और हमारे जो भी यहाँ पर सदस्यगण हैं उनमें बहुत बड़ा उमंग जगा होगा। शोभा यात्रा का रूट क्या होगा, कहाँ से आरंभ होकर किस पथ से आप लोग जाएंगे? शोभा यात्रा जो होगी शिवम पैलेस से निकलेगी। शिवम पैलेस से हम खापड़ा घूमते हुए और जो हमारे ये प्रोग्राम की जो जगह है यहाँ के हम उसको का नाम सीधी, मेरा नाम पवन कुमार सोनी। स्वागत है आपका, एक बार हमें बताइए हमारे दर्शकों को जय ब्रह्मणी माता के। जय ब्रह्मणी माता की। सभी भक्तों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये हमारे ब्रह्मणी माता का चतुर्थ वार्षिक उत्सव में सब अपना आइए और माता का आशीर्वाद लीजिए। ये प्रोग्राम हम लोग का सिद्धिविनायक सिलीगुड़ी में होने जा रहा है 6 और 7 जनवरी को। 6 जनवरी को सुबह 8:30 बजे शोभा यात्रा है, जो आपका इससे शिल्पांचल भवन से होते हुए वापिस से सिद्धिविनायक में पहुँचेगी। उसके बाद 3:30 बजे से
मंगल पाठ है, मंगल पाठ में सब अवश्य पधारे। माँ का मंगल पाठ में पूरा विवरण है, उसमें माँ का कैसे वहाँ पल्लूकोट में है स्थापन हुआ, कैसे माँ वहाँ पर आई, उसमें पूरा विवरण है। तो मंगल पाठ को अवश्य सुने। जो कोई भगत वहाँ पर नहीं पहुँच सकता है तो हमारा सिरगुड़ी देखेगा, उस पर सीधा प्रसारण हो रहा है, तो वहाँ पर भी देख सकता है, उस ग्रुप से भी जुड़ सकता है। उसके बाद 7 तारीख को हम लोग का भजन संध्या का प्रोग्राम है, जो शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगा। उसमें हमारे कलकत्ता से भजन गायिका श्वेता कौशिक और चंडीगढ़ से है आशीष देसवाल और सोनीपत से है पुनीत राठी, ये पधार रहे हैं, जो अपनी भजनों की गंगा से सबको प्रभावित करेंगे। तो इसमें सभी भक्तों से मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए है। और जो ब्रह्माणी माता को जिसका कुलदेवी है उसे रिक्वेस्ट है कि वो पधारे और मेमर बने, मेमर अवश्य बने, जिसे हमारे नॉलेज में रहेगा। यही मेरा बार बार रिक्वेस्ट है सबसे, आइए जरूर से जरूर आइए। जो नहीं आ पाता है सिलीगुड़ी देखेगा, उसमें अपना आनंद लीजिए। बोलो ब्रह्माणी मैया की। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है भंवरलाल थोरी, इस चतुर्थ प्रोग्राम के को चेयरमैन ब्रह्माणी माता के। ब्रह्माणी माता सिलीगुड़ी भक्त मंडल की तरफ से है आप सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, तहे दिल से स्वागत। बोलो ब्रह्माणी मैया की जय।